नीलम मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पता है आज मैं गई थी मार्केट, मैंने वहाँ एक रेस्टोरेंट के बाहर खूब भीड़ देखी। उस भीड़ पर मुझे आज दृष्टांत याद आ गया, यदि आप इजाज़त दें तो मैं सुनाऊँ। ओके थैंक यू। एक बार एक रेस्टोरेंट के बाहर बहुत भीड़ होती है और उसमें से भीड़ का फ़ायदा उठाकर एक आदमी आता है और खाना खाकर चुपके से बिना पैसा दिए चला जाता है। तो ये बात जब रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक व्यक्ति को पता चलती है, उसने ये बात नोटिस किया कि ये आदमी आता है और चुपके से भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए खाना खाकर बिना पैसा दिए चला जाता है। तो उसने उस पर निगाह रखना शुरू कर दिया। एक दिन उसने जब वो व्यक्ति आया खाना खाने, उसी समय उसने उसे देखा और मालिक के पास जाकर उसने बताया कि मालिक, ये व्यक्ति अभी आया है और अभी भीड़ का फ़ायदा उठा के खाना खाकर बिना पैसा दिए चला जाएगा। तो मालिक ने उसे धीरे से इशारा किया कि अभी इस बात पे बात ना करो, कुछ देर बाद बात करना। तो उसने कहा ठीक। अब इतने में वो व्यक्ति खाना खाकर और खूब भीड़ थी ही, उसका फ़ायदा उठाकर धीरे से बिना पैसा दिए चला गया। अब जब सब लोग खा के चले गए तो वो व्यक्ति आया, बोला मालिक अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या बात है, आपने उसे क्यों नहीं डांटा, क्यों नहीं रोका, आपने उसे कोई सजा क्यों नहीं दिया, आपने उसे पकड़ा नहीं। तो मालिक ने कहा कि तुम्हारी तरह मुझे कई लोगों ने उस व्यक्ति की शिकायत की है कि वो भीड़ का फ़ायदा उठा के और खाना खाकर चुपके से बिना पैसा दिए चला जाता है, पर मैं ये जानता हूँ कि मैंने भी उसे बहुत बार देखा है। वो हमारे दुकान के सामने बैठता है और वह इंतज़ार करता है कि कब भीड़ हो कब भीड़ हो, और ये बात निश्चित है कि जब हमारे दुकान में भीड़ होगी तभी वो आएगा। तो इससे मुझे लगता है कि जो हमारे दुकान में इतनी भीड़ होती है ये उसके दुआओं का असर है, ये उसकी प्रार्थनाओं का असर है, इसीलिए मैं उसे कभी नहीं रोकता हूँ और हमेशा मैं उसे खाना खाकर बिना पैसा दिए हुए ही जाने देता हूँ। निश्चित रूप से जब वो आता है तब ये भीड़ होती है। इसी बात पे मुझे ये लाइन याद आ रही है, मत करो गुरूर इतना कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, क्या पता किसकी किस्मत से तुम खा रहे हो। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।